आई जिजाऊ महासाहेब यांच्या चरणी नतमस्तक होतो आणि नवभारताची संकल्पना ज्यांनी मांडली ते स्वामी विवेकानंद जी यांच्याही चरणी नतमस्तक होतो। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि आज आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि संपूर्ण विश्वामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय नेते असलेले तुमचे आमचे नेते माननीय नरेंद्र मोदी जी यांचं अतिशय मनपूर्वक या ठिकाणी मी स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यातले मंत्रीगण, सर्व आमदार, सर्व खासदार, आमचे अध्यक्ष बावनकुळे जी, मंचासीन सर्व महानुभाव, विशेष रूपाने उपस्थित असलेले हिज एक्सलन्सी द ॲम्बेसेडर ऑफ जपान आणि उपस्थित माझ्या सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस आपल्या सर्वांकरता स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि अटल सेतु का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। इसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी ने किया था और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ये अटल सेतु इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश में मोदी राज आया। अगर मोदी राज नहीं आता तो अटल सेतु कभी नहीं हो पाता। ये अटल सेतु MTHL, इसकी संकल्पना परिकल्पना 1973 में रखी गई थी। 1982 में JRD टाटा कमेटी ने इसकी अलाइनमेंट फिक्स की, लेकिन 40 साल तक कुछ नहीं हो पाया। किंतु इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश का मिजाज बदला, काम करने की पद्धति बदली, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर भी हमारी युति की सरकार आई और फिर चीज़ें बड़े जोरों से दौड़ने लगी। और मोदी जी की सरकार ने सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हमको सीमित समय में दिए। जितनी मान्यताएं थी मोदी जी ने आदेश दिया तुरंत मान्यताएं मिलनी चाहिए, सारी मान्यताएं मिली। यहाँ पर कई लोग कहते थे कि फ्लेमिंगो सेंचुरी है उसका क्या होगा, हमने BNHS के माध्यम से उसके मिटिगेशन मेजर्स किए और आज हम देख सकते हैं फ्लेमिंगोस की संख्या बढ़ी है, वो संख्या कम नहीं हुई और ये हमारा सेतु भी तैयार हुआ। और इतना ही नहीं, एक और हमारे सामने प्रश्न था, उस समय इतना बड़ा कर्जा जो जापान की सरकार हमको दे रही थी, जायका हमको दे रही थी, अगर हम स्टेट के बजट में लेते तो शायद हमारे रूरल एरिया में काम करने की ताकत कम होती। हमने मोदी जी से निवेदन किया, प्रथा को तोड़कर सीधा हमारे MMRDA को आप कर्जा दीजिए। मोदी जी ने देश में पहली बार कैबिनेट का निर्णय करते हुए सीधे MMRDA को ये लोन उपलब्ध कराया, तो हमारे MTHL का काम तेजी से आगे बढ़ा और आज ये सेतु यहाँ पर पूरा हो रहा है। ये सेतु एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि केवल ये सेतु नहीं, तो इसको हम लोग कोस्टल रोड से जोड़ रहे हैं, एक और ऑरेंज टनल है, दूसरी ओर सीधा वर्ली जाने वाला ब्रिज है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कोस्टल रोड से हम लोग बांद्रा जा रहे हैं, वर्ली बांद्रा सी लिंक है, उसके बाद बांद्रा वर्सोवा सी लिंक है, वर्सोवा से विरार एक नई लिंक हम लोग तैयार कर रहे हैं, विरार से अलीबाग एक नया कॉरिडोर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए पहली बार मुंबई और MMR रीजन को अपना रिंग रोड मिल रहा है, एक लूप रोड मिल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2019 में
आपने संकल्पना रखी थी मुंबई में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति मात्र 59 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। मेट्रो का नेटवर्क, रास्तों का नेटवर्क ऐसा तैयार हो रहा है कि ये सपना भी आने वाले 3 से 4 वर्षों में हम लोग पूरा कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ। आज ऑरेंज टनल का भी यहाँ पर उद्घाटन, भूमि पूजन हो रहा है। सूर्या जैसी योजना, जो योजना MMR रीजन को पानी देने वाली है, उसका भी उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इस महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मुंबई और MMR में हमने हाथ में लिए हैं, मेरा विश्वास है पिछले 50 वर्ष महाराष्ट्र को मुंबई ने ताकत दी, देश को मुंबई ने ताकत दी, लेकिन अगले 25 साल महाराष्ट्र और मुंबई को और देश को कोई ताकत देगा तो ये रायगढ़ और नई मुंबई का इलाका देगा। ये नया इकोनॉमिक हब अब रायगढ़ और नवी मुंबई का एरिया होगा। ये ऐसा एरिया है जहां पर देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी तैयार हो चुकी है। आने वाला इंडस्ट्री 4.0 हो या आने वाला IT का और AI का रिवोल्यूशन हो, हर जगह यही एरिया काम में आने वाला है। और आज इस सेतु ने इस एरिया को एक ऐसी कनेक्टिविटी दे दी कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता। हम जहां बैठे हैं वहां नया एयरपोर्ट हो रहा है जिसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस साल के अंत में प्रधानमंत्री जी ही इसका उद्घाटन भी करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इसलिए मैं आज के इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो उनकी ताकत हमारे पीछे खड़ी होती है, महाराष्ट्र के पीछे चट्टान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हो पाते हैं। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।